हेलो फ्रेंड्स, रेशमा मल्टी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हरे मिर्चे का अचार बनाना सीखेंगे। बहुत ही बेस्ट तरीके से और बिल्कुल ईजली बन जाता है, झटपट से 5 मिनट में ये अचार तैयार हो जाता है। तो हम इसे बनाना सीखेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और आल पे क्लिक कर ले ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देख सकें। इस तरीके का हम वीडियो हमेशा आपके लिए बनाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मिर्चे का डंठल मैंने तोड़ के इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे मैं धूप में सुखा रही हूँ। लगभग 15-20 मिनट तक इसे हम धूप में रखेंगे ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए, और जब पानी सूख जाएगा तो हम इसका अचार बनाएंगे, क्योंकि पानी रहेगा तो अचार ख़राब हो जाएगा, इसलिए धूप दिखाना ज़रूरी है। अगर धूप ना हो तो आप पंखे के नीचे भी इसे सुखा के इसका अचार बना सकते हैं। यहाँ हरा मिर्चा सूख चुका है तो इसमें हम कट लगा लेते हैं। इस तरीके से हम इसमें कट लगाएंगे, बीच से हमको कट लगाना है तो सारे मिर्चे में हम कट लगा लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने सारे मिर्चे में कट लगा लिया है। अब इसे हम चलेंगे भुनने के लिए। अचार का मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने मसाले ले लिए हैं, तो कुछ मसाले इस प्रकार हैं। यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा ले लिया है, 1 छोटा चम्मच सरसों, 1 छोटा चम्मच कलौंजी मसाला, 1 बड़ा चम्मच धनिया और 1 छोटा चम्मच सौंफ। इन सबको हम भून लेंगे, हल्का हमको रोस्ट करना है। अब हम सारे मसालों को भुनेंगे। इसमें हम सारे मसालों को डाल देते हैं। जब ये मसाला चटकने लगे तो हम इसे उतार लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है। तो चटकना स्टार्ट हो गया हमारा मसाला, 1 मिनट और हम इसे भुनेंगे। अब हम इस मसाले को उतार लेंगे, इसमें से हल्का हल्का खुशबू आने लगा है। अब हम इसमें 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल अचार के लिए सबसे बेस्ट होता है, अक्सर इसी में अचार बनता है, तो हम इसी में बनाएंगे। अब हम तेल में मिर्चे को डाल दिए हैं, अब थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे। तो भून लेते हैं हम हल्का इसको। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब ये हल्का हल्का हो गया तो इसमें हम ये भुना हुआ मसाला डाल देंगे। मसाले को मैंने डाल दिया है, इसको चला लेंगे। अब हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, इससे कलर भी अच्छा आता है, अचार भी अच्छा रहता है। ढक्कन लगा के इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि अच्छे से ये बन जाए। अब इसमें हम थोड़ा 2 चम्मच ऐड करेंगे खटाई, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अगर आपके पास खटाई नहीं हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसमें 1 बड़ा चम्मच हमने नमक को डाला है, नमक तेज ही रखना है ताकि अचार हमारा सेफ रहे। तो ये अचार हमारा बन गया है, अब इसे हम उतार लेंगे गैस से। अब हम इस बर्तन में इसे स्टोर कर लेंगे, तो हम अचार को इसमें भर लेंगे। एक चीज़ का और ध्यान दें कि गर्मा गर्म इस अचार को हमें स्टोर करके नहीं रखना, वरना ये ख़राब हो जाएगा। ये ऐसे गर्म इसको रखने से ये बासी हो जाता है और अचार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तो इसलिए जब भी आप इसे स्टोर करके रखें, जब ये अचार ठंडा हो जाए तब इसे स्टोर करके रखें। एक बार इस अचार को आप ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही बेस्ट बनता है और झटपट से तैयार हो जाता है, ज़्यादा दिन तक टिकाऊ भी रहता है। लगभग आप 1 महीने तक इसे आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। तो एक बार इसे बना के देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।